हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके घर के चैनल लेबिस्टो पे। तो आज जो वीडियो मिल रहा है फेस के साथ मिल रहा है, और टू मंथ फेस टू फेस में वीडियो नहीं आऊँगा, लाइव नहीं आऊँगा, प्लस मतलब नेक्स्ट सीजन तक फेस का यूज नहीं करूँगा। कहने का मतलब अभी मतलब फोटोशूट भी जो होगा ना, अभी पुराना ही फोटो रहेगा, रिसेंटली 2 महीने ओल्ड का, और 2 महीने तक मैं गायब रहूँगा फेस के मामले में। बाकी आपका पोस्ट वाचिंग सब चीज़ के मामले में एक्टिव रहूँगा। फेस के मामले इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ 2 महीने के लिए, मैं सोचा हूँ 2 महीने का टारगेट, 2 महीने में जिम, 2 महीने में इतना मेहनत करना है मुझे जिम में, इतना फोकस करना है कि हाथ का ब्रेसलेट उतार दिया, नेल काट दिया, और मतलब यार एक बार जो फोकस कर लिया करना है तो करना है। तो ऐसे आपको भी एक अगर आइकॉन मानते हो थोड़ा अपना वो चीज़ करना, क्या बोलते हैं, ख्याल तो रखना ही, साथ में अपना ना लाइफ में एक चीज़ का फोकस करना, किसी चीज़ का भी, कि मेरे को डिस्टेंस ला के पास होना है तो होना है। आपका सोनू भैया तीनों सब्जेक्ट में, 12th में तीनों सब्जेक्ट में डिस्टेंस लेके पास आउट किया था। तो आप कहने का मतलब आप भी किसी चीज़ को भी तो एकदम टारगेट लेके चलना। अभी ये वीडियो में खास बात करूँगा, उससे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जानते ही हो अभी मैं सैलून पे हूँ, तो विकी तेरा प्राइस कितना हुआ अभी सेविंग और बाल काटने का? 100 रुपीस हुआ है विक्की को, और 1 मिनट जस्ट में। तो विवेक का अभी हुआ है बैलेंस 100 रुपीस वर्क का, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इसको एक काम दे रहा हूँ, काम क्या है वो सुन लेना अच्छे से आप लोग ना। पहली बात, ऑफिशियल मेंबर नहीं है, है ना विवेक? हाँ। दूसरा चीज, एडिटिंग की जिम्मेदारी नहीं है। इसको काम मिल रहा है, क्या काम मिल रहा है मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। जो एडिटिंग होता है कितने प्राइस है उसका? 200 रुपये है ना? हाँ। तो उसका 30% एडिटर के पास जाता है, 30 से 40% जो कॉल रिसीव करते हैं, जैसे मामा हो गए या गोपाल जी या जो भी जितने भी ऑफिशियल मेंबर वो लोग ले लेते हैं, और 30% मेरे नाम से आता है कि क्या बोलते हैं, सोनू भैया का ब्रांडिंग है, सारा एडिटिंग उनका है, सब कुछ है ना, तो 30% मेरे नाम से आता है। तो मैं यहाँ पर लाइव में वीडियो में बता दे रहा हूँ आप लोगों को फेस टू फेस, 30% विवेक सिंह ठाकुर के पास, विवेक कुमार ठाकुर के पास जाएगा। तो जितने ऑफिशियल मेंबर जो भी मेरे नाम से एडिटिंग का जो भी चार्ज आप, तो जो चार्ज एडिटिंग का जो 30% जो मेरे नाम से आता है वो पेमेंट इस वीडियो के थ्रू ही बता दे रहा हूँ। जितने ऑफिशियल मेंबर आप लोग भी सुन रहे होंगे, तो जितना भी पेमेंट होता है एडिटिंग का जो भी, आप लोगों ने 30% इसको सेंड कीजिएगा। और आपका विवेक, आपका करना क्या है, उस पैसे का यूज क्या करना है आपको, जो भी हैट्रिक नाम लाता है बेस सपोर्टर का, या फिर 4 टाइम लाता है या 5 टाइम, आप उनको बेहिचक पेमेंट कर दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा, और जो आपके पास अवेलेबल है सब कुछ, फोन पे जो भी होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप ना सब कुछ उनको टाइम टू टाइम पे कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई 3 टाइम लाया है नाम, है ना, फोर्थ नहीं ला पाया, तो 3 टाइम उसका 200 रुपीस आप उसको पे कर दीजिएगा। और मान लीजिए कोई 4 लाया है, 5 नहीं कर पाया, तो उसका 500 रेट आपको मैं बता दी हूँ कि कितना कितना आपको पे करना है, ऐसा करके पे कीजिएगा। आपको लिस्ट सुष्मिता दास या फिर मैं ही आपको भेज दिया करूँगा कि ये बंदे हैं, इनको वो चीज़ कीजिएगा रिटर्न, मतलब हाँ आप लोग उनको गिफ्ट दे दीजिएगा एसआर फैमिली की तरफ से, एसआर एडिटिंग जितना भी आता है उतना। और मैक्सिमम मैं बता देता हूँ, लगभग पर डे 8 से 10 बंदे होंगे, है ना, कोई 4 टाइम मतलब 4 टाइम कंटिन्यू वाले होंगे, तो किसी को 500, किसी को 1000 जो 5 टाइम होंगे, या किसी को 2, मतलब कहने का मतलब पर डे 1000-1500 रुपया समझ लीजिए आपको देना पड़ेगा वहाँ। अगर मान लीजिए एडिटिंग का जो 30% है उससे अगर ज़्यादा, मेरा जो जितना आता है उससे भी ज़्यादा अगर देना पड़ रहा है, तो मुझे बताइएगा, मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूँगा। ओके, मैं बाकी कहीं से भी कर, बाकी जो मेरा बिजनेस है ना वहाँ से मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, तो आप कर दीजिएगा, ये जिम्मेदारी निभाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, कोई बंदा ये ना कहे कि भैया क्या बोलते हैं, विवेक भैया मैं 4 टाइम लाया था, विवेक भैया मेरे को पैसा नहीं दिया, मतलब ऐसा कोई कंप्लेन ना आए अपनी तरफ से, पूरा कीजिएगा, है ना। बस बंदे को ये बोलना होगा कि भैया मेरा ये, तो एक काम कीजिएगा ना, आपको जो लिस्ट आएगा आप ही मैसेज कर दीजिएगा, हाँ, जो भी बंदा होगा आप मैसेज कर दीजिएगा, भाई तेरा 4 टाइम आया है, तू 5 में अटक गया यार, तेरा 500 का गिफ्ट बना है, अपना नंबर दे, ऐसा करके आप बात कर लीजिएगा, सबको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो ये बात था, इंट्रोड्यूस कराना था, और ये जिम्मेदारी इनका, फिर से मैं बता दूं, ऑफिशियल मेंबर नहीं है, एडिटिंग वेडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है इनका, इनको मैं पर्सनल काम दिया हूँ, जो भी एडिटिंग का जो 30% आता था वो आपके पास जाएगा, क्लियर। क्योंकि यार मैं खुद वो चीज़ करता तो एक एक को मैसेज करो, क्योंकि जिम में रहूँगा मैसेज नहीं कर पाऊँगा, और प्लस उसके बाद सबका लिस्ट मैनेज करो, इसलिए मैं बोला इतना तो कर ही सकता है ना। चलिए फिर, और बाकी जो टॉपिक है आपको इस वीडियो में कॉम्बिनेशन जोड़ के बनाता हूँ।
तो चलिए चलते हैं आज के जो टॉपिक है। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था टाइमलाइन स्लो के बारे में, है ना। तो आज टाइमलाइन स्लो का देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मिनट। तो चलिए टाइमलाइन स्लो जस्ट नाउ करते हैं और अभी देख लो, पहले देख लेते हैं टाइमलाइन ना, रात को 9:30 बजे। अभी आप एक फ़ोटो को देख रहे हो ना, जैसे आप इस फोटो को चलिए देख लीजिए। अब इसको रिफ्रेश करने के बाद इसका फ़ोटो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। देख लो, मतलब इतना ज़्यादा टैग हो रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको भी हेल्प मिले सब फोटोज़ को लाइक करने का। तो आधा घंटा का इतना नीचे आ गया, तो सबको लाइक करना पड़ेगा इतना। तो एक सेकंड में इतना फ़ोटो आ रहा है, इस वजह से आधे घंटे का जो टाइमलाइन स्लो रहेगा उसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका मतलब देखो 2 घंटे का रहता है 8 से 10, है ना। 2 घंटे में मैं 4 फोटो छोड़ता हूँ और 1 फोटो टाइमलाइन स्लो में छोड़ूंगा। तो उसमें आपका लाइक फंस गया, मतलब 1 पॉइंट आपने विन कर लिया। आपको 1 और 2 मतलब लगभग और फंसना होगा, इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बाकी 1 पॉइंट आपको आसानी के लिए मैं टाइमलाइन स्लो में 1 फोटो ज़रूर पोस्ट करूँगा जिसमें आपको लाइक करना है, ताकि मैं आपको फॉलो बैक दे सकूँ। ओके, तो चलिए फिर टाइमलाइन स्लो करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, कितना लाइक आता है। तो मैं गया प्राइवेसी पे और मैं टैग को किया No 1। ओके, अब चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं टाइमलाइन स्लो कर देता हूँ, नाउ ये हो गया नाउ। और अब चेक करते हैं लाइक, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं किसी का भी फोटो को जो लास्ट में रुका हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो ऊपर में रेड वाला है, इसका रुका हुआ है। देखिए 157 हो गया ना लाइक। चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं कितना हो गया वापस से। देखिए अब हो गया 200+ लाइक हो गया ना इंस्टाग्राम पे। चलिए वापस से चेक करते हैं 200 से कितना हो गया उनका। अब 300 हो चुका। अब देखते हैं वापस से कितना हो गया, 400 हो चुका। इंस्टाग्राम का लाइव दिखा रहा हूँ आपको वीडियो पे ऑनलाइन 9:30 में। अब देखिए लगभग 500 होने वाला है, और जैसे 500 होगा फिर मैं एक बार टाइमलाइन को ओपन करूँगा। अब देखिए सबका 500 हो जाएगा ना, उसके फिर मैं एक बार नॉर्मल करूँगा। चलिए वापस से देखते हैं 500+ हो चुका। अब चलिए मैं टाइमलाइन नॉर्मल करता हूँ, उसके बाद फिर ये टाइमलाइन स्लो चलता रहेगा लगभग लगभग समझ जाइए। अपन लोग डेली करेंगे और इसी बीच में मैं एक फ़ोटो डालूँगा, उस पर भी आपका लाइक मुझे चाहिए। जो बंदा यहाँ पर, चलिए एवरीवन कर देते हैं और यहाँ पर सभी का फ़ोटो अब हट जाएगा। देखिए सभी का फ़ोटो हट गया और फिर मैं ब्रेक करूँगा। ऐसे करते हैं टाइमलाइन स्लो। तो मैं टाइमलाइन स्लो करूँगा और जा रहा हूँ मैं अपने जो आज का जो अकाउंट है उससे मैं एक फ़ोटो छोड़ने वाला हूँ। तो देखते हैं उस पर कितना लाइक आता है और आपको जरूर दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर चलिए इनका फ़ोटो देख लेते हैं। यहाँ 7 लाइक है ना, इनका देख लेते हैं लाइव ही। टाइमलाइन स्लो में फंसा है इनका फ़ोटो। यहाँ 2 फोटो डाले थे इन्होंने। देखिए एक में 20 लाइक आया था, एक में 62 हो चुका, 127 हो चुका। सिंगल टैग, आपको टैग क्या करना रहता है, सुन रहे थे सर, मन करे तो आप फॉलो कर सकते हो, ना करे तो मत करना, कोई फोर्स नहीं है भैया। मैं सिर्फ फॉलोअर देना जानता हूँ, अपना एक फॉलोअर बढ़ा के मुझे क्या करना है, मैं कोई स्टार नहीं बनना, मुझे मैं आपका भैया ही काफ़ी हूँ। ओके, तो इनका आप देख लेते हैं वापस से 127, रिफ्रेश करके देख लेते हैं 300 पार हो गया। तो ऐसे करेंगे टाइमलाइन स्लो डेली। और मैं अपना एक फेक अकाउंट से जिससे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उससे मैं फ़ोटो डालता हूँ, फिर देखते हैं कितना लगा था उस पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना एक फेक अकाउंट मैं पोस्ट कर दिया हूँ। मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, और आज गर्ल्स का फ़ोटो यूज किया गया है वॉचिंग के लिए। अब देखते हैं वो फ़ोटो कितना नीचे गया है। मैं टाइमलाइन स्लो में फंसाने की कोशिश किया हूँ, ज़्यादा नीचे नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो लगभग काफ़ी नीचे आ गया है, लगभग 30-35 नीचे आ गया है फ़ोटो। और इस फ़ोटो को मैंने अभी चेकिंग के लिए पोस्ट किया है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3rd ब्रेक में मैंने किया था। अगर किसी ने, जिसने भी लाइक किया होगा, अगर वो कोड लगाया होगा, कोड से याद आया, सारे फ्रेंड कोड चेंज कर लीजिएगा, न्यू कोड रहेगा सर, फैमिली का न्यू कोड। आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, आपको कोड क्या रहेगा। SR फैमिली का न्यू कोड है जो कि आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह के लिए रहेगा। इंस्टाग्राम में ये कोड ना, एक कोड परमानेंट रहेगा, मतलब जो आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था ना, अपना जो अकाउंट है आपका उसका URL लगा दीजिएगा मेन अकाउंट का, उसकी जगह पे आपको कुछ और लिखना है, आपका
इसको लिखना है, आपका यूज़र आईडी को लिखना है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं चले किसी भी सपोर्टर को उठा लेते हैं, चेक करके देखते हैं ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम में अपना मेन अकाउंट का यूआरएल लगाना, अगर आप यूआरएल अगर लिंक को लगाते हो ना, तो मैं इसको डायरेक्ट टैग नहीं कर सकता क्योंकि सर्वर में ओपन हो रहा है, देखिए ऐसे ओपन हो रहा है, तो मैं इसको टैग नहीं कर पाऊँगा, कहने का मतलब ऐसा है। तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अपने बायो पे और एक कोड भी रहेगा, और इंस्टाग्राम में ना लगाने के बाद इसको हटाइएगा मत, इंस्टाग्राम में हमेशा परमानेंट आपका रहेगा ही रहेगा। आपके जितने सपोर्ट अकाउंट हैं आप उसमें भी और मेन अकाउंट में भी, और एक कोड है, कोड क्या है, बायो पे आपको लिखना है आपका मेन अकाउंट, जो मेन अकाउंट है उसको एट द रेट के साथ, जैसे मान लीजिए मेरा मेन अकाउंट है सोनू राजपूत SR, तो एट द रेट सोनू राजपूत SR लिख दिया, ये बाकी सब फेक अकाउंट है, अपने मेन अकाउंट को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मैं अपना सेकेंड अकाउंट को दिखा देता हूँ, जैसे सोनू राजपूत न्यू, अब यहाँ पर देखिए न्यू आ गया, क्लिक किए सेव कर दिए, ये हो गया SR फैमिली का न्यू कोड है। इसी अपना मतलब अपने जो आपका यूजर आईडी है, जैसे सोनू राजपूत हो गया, जैसे आपका मेन अकाउंट का जो भी हो, वो आपका मतलब SR फैमिली का न्यू कोड है, अपना इंस्टाग्राम का आपको अपने बायो पे फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ अप्लाई किया, दिस इज कोड SR फैमिली का, फेसबुक में भी अप्लाई कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे याद रखिएगा अपने सपोर्ट अकाउंट में ऐसा जरूर लिख के हमेशा रखिएगा, लिंक मत, जो लिंक बताया था ना लिंक कॉपी करने के लिए, उसको मत कीजिएगा क्योंकि उसमें ओपन नहीं हो पा रहा है, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो आप एट द रेट और यूज़र नेम इसको लिख के अपना नाम सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा अपने सपोर्ट अकाउंट में। क्लियर हो गया। और बात करते हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है, मान लीजिए SR फैमिली का हिस्सा है, इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, उसको क्या करना है, उसको करना पड़ेगा कि आप अपने बायो पे लिख दीजिएगा कि इंस्टाग्राम, देखिए यहाँ 2 मिनट में 1000 लाइक हो चुके हैं, देखिए सबका 800 प्लस लाइक है सबका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, अगर फेसबुक में आप वीडियो सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पास अपने फेसबुक पे लिख दीजिएगा नो इंस्टा, इंस्टाग्राम नो इट नॉट यूज, या नो इंस्टा लिख दीजिए, समझ जाऊँगा मैं। और अगर इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा का जो यूज़र है, इसको आप एट द रेट के साथ अपना यूज़र ना, ये मेरा नहीं अपना, एट द रेट अपना जो यूजर है उसको अपना फेसबुक पे भी लिख दो और इंस्टा पे भी लिख सकते हो। ओके, और जो सपोर्ट अकाउंट है, सपोर्ट अकाउंट में आपका मेन अकाउंट का यूज़र एट द रेट के साथ हमेशा रहना चाहिए, ताकि मैं ऐसे वन क्लिक करूं और डायरेक्ट आपका अकाउंट निकले और मैं यहां से फॉलो कर दूं। आशा करता हूं वीडियो मज़ेदार होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोड सारे फ्रेंड चेंज कर लीजिएगा, टाइमलाइन स्लो, और यहां पर आपके सामने लाइव कर रहा था और मैंने फ़ोटो डाल दिया, आपको दिखा दिया। चलिए यहां पर अब देखिए टैग अनलॉक किया हूं, बहुत सारे फ़ोटो आ गए, अब टैग ब्रेक करते हैं और फिर चेक करते हैं कितने लाइक मिले, लास्ट फिर देख लेते हैं, रिफ्रेस कर लेते हैं बस किसी का भी फोटो जिसका 0 लाइक हो, इनका देखिए 0 लाइक है, और इनको इनका तो मेंशन वाला है, इनका 0 है, कार वाले को चेक करते हैं चलिए, और सुर वाले का भी 0 है ना, उनको भी चेक कर लेते हैं। 0 वाले का देखिए इनका हो गया 107 हो चुका, और चलिए इनका चेक कर लेते हैं, कार वाले का अभी 80 हो गया, जस्ट 25 सेकेंड के अंदर वापस से चेक कर लेते हैं, इनका कितना हो गया 107 से कुछ बढ़ा क्या, 277 हो चुका। तो याद रखिएगा अगर आप पार्टिसिपेट करते हो इंस्टाग्राम पे ना, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का लाइक नहीं मारना है, टाइमलाइन ब्रेक हुआ जहाँ तक मारे थे वहाँ से आगे तक मारिएगा, नहीं तो मेरे जो फेक अकाउंट है ना उसको, मतलब जिसमें मैं वॉचिंग कर रहा हूँ उसमें आपका लाइक नहीं फंसेगा, याद रखिएगा, फिर आप बोलोगे कि भैया मेरा नाम नहीं आया, मैं सपोर्ट किया था, ठीक, और मैं फ़ोटो दिखा दिया था किस अकाउंट से चेक हुआ था, मेंशन बैन पे मैंने फ़ोटो फंसाया था, अब जो जो बंदे ने लाइक किया था उस गर्ल्स वाली फ़ोटो को। तो और मैं फिर से बता दूं, कई बंदे दिमाग लगाते हैं भैया तो गर्ल्स वाली अकाउंट से वॉचिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बॉयस अकाउंट भी है, और मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट के लिए, नहीं 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 बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका धन्यवाद।